जिस बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए हैं और फिलहाल ईडी की रिमांड पर है, उस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की तैयारी चल रही थी। ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आर्किटेक्ट विनोद सिंह के बीच व्हाट्सएप चैट से सबूत मिले हैं। रिमांड पिटीशन में ईडी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि बड़गाई अंचल के विवादित 8.5 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की योजना चल रही थी। ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए 4 दिनों की पुलिस रिमांड देने का आग्रह किया, जिस पर हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप यादव से जुड़े केस या ईडी की ओर से जो किए जा रहे दावे हैं उसमें हेमंत सोरेन का कहीं भी नाम नहीं है। दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी को 3 और दिनों की रिमांड दी गई है। इससे हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए पीएमएलए अदालत ईडी को 5-5 दिनों की रिमांड 2 बार पहले भी दे चुकी है। पिटीशन के मुताबिक बड़गाई की जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की योजना चल रही थी। आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने इसका नक्शा बनाकर हेमंत सोरेन के मोबाइल फोन पर भेजा था। विनोद के दूसरे मोबाइल की जांच के दौरान इस बात की जानकारी मिली। उसके दूसरे मोबाइल के व्हाट्सएप चैट प्रिंट में 201 पेजेस में हुए हैं। उससे पहले मोबाइल फोन के व्हाट्सएप चैट का प्रिंट 539 पन्नों में हुआ था, जिससे भी कई खुलासे हुए थे। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।